सागर और गंगा बीच में अभी काफ़ी कुछ ठीक हुआ है एंड सागर चाह रहा है कि अभी बिकॉज कृष्णा भी उसका साथ दे रही है तो वो चाहता है कि फैमिली एक साथ आ जाए और थोड़े बिहेवियर में चेंजेस आए हैं सागर के, फोर्सिवली वो कर रहा है सब, फोर्सिवली नहीं आई मीन वो खुद को चेंज करके कुछ एक नया तरीका अपना रहा है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए उसका गंगा के बीच में। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मुझे भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है एंड अभी यही चल रहा है कि सागर पूरी कोशिश कर रहा है कि गंगा उसके साथ वापस आ जाए, कृष्णा उसके साथ वापस आए तो उनका पूरा फैमिली कंप्लीट हो जाए। सो अभी कोशिश चल रही है, अभी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके किसे नहीं पता। कृष्णा ऑब्वियसली कृष्णा के सब चाहने से ही सब कुछ हो रहा है, कृष्णा ने मुझे सागर को फ़ोन किया और कहा कि गंगा अभी भी उसे प्यार करती है, उसके लिए व्रत रख रही है और कृष्णा ने ही सागर को कहा कि वो चाहती है कि उसके मम्मी पापा एक साथ हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी बच्ची बोलती है कि नहीं मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा एक साथ रहे नहीं झगड़े, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सेंटिमेंटल वेरी इमोशनल फीलिंग आपके अंदर भी आ जाती है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। सो कितना मैं तो मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है करवा चौथ पे, मतलब मैं बिलीव कैसे करूँ क्योंकि मैं अभी तक शादी नहीं हुई है और मेरे लिए ऐसे कोई लड़की रखती भी नहीं है तो हाँ। आगे तो देखना पड़ेगा क्या होने वाला है, मतलब मैं कैसे बताऊँ स्क्रीन प्लेस वहाँ, वो हमारे फुजैल भाई हमारे जो ई पी हैं एस पी हैं और हमारे क्रिएटिव वो स्क्रीन प्ले पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है क्या होने वाला था। आई थिंक शुड वन आस्क देम। ओके